हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ब्रिंग्स वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन दरभंगा, एकमी घाट, बल्लोपुर, लहेरिया सराय, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस फर्स्ट टाइम इन बिहार, किम्स सीबी सिटी सेंटर, किम्स डेंटल स्पा। ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी ऑन 28 फरवरी इन फ्रंट ऑफ मिथिला बनर्जी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरिया सराय, दरभंगा। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2024-25। दार्जिलिंग की शिक्षिकाओं की देखरेख में पूर्णतः अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, प्री नर्सरी टू क्लास 10th, VIP रोड, अललपट्टी, दरभंगा। आपके बच्चों का चौमुखी विकास, मतलब होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल, क्लास प्ले टू 10+2, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम, पोस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, नियर SDO रेसिडेंस, खाजा सराय, लहेरिया सराय, दरभंगा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन 2024-25। मिथिलांचल में 10 वर्षों से IIT और मेडिकल में बेस्ट रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान, बिहार की बेस्ट फैकल्टी टीम, बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। सावधान, दरभंगा में शौचालय के नाम पर हो रही ठगी। ठगों ने वृद्ध महिला को रुपए का प्रलोभन देकर सोनी की चेन लेकर भागने में हासिल की कामयाबी। सरकार भले ही भ्रष्टाचार या ठगी के खिलाफ विभिन्न तरह के सख्त कानून बनाकर लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन इस प्रकार का मामला कहीं न कहीं अक्सर सुर्खियों में रहता है। सरकार के जागरूकता कार्यक्रम के बावजूद ठग नए नए तरीके से लोगों को ठगने का प्रयास करते रहते हैं। कभी कभार तो लोग इन ठगों के जाल में नहीं फंसते, लेकिन कभी लोग इन ठगों के झांसे में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। ताजा मामला दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के बरियौल गाँव का है, जहाँ सरोज ठाकुर की 70 वर्षीय माँ से शौचालय का रुपया दिलाने का झांसा देकर सोने की चेन उड़ाने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल बिजली विभाग से सेवानिवृत्त प्रतिमा देवी गांव में अकेली रहती हैं। इस बात का फायदा उठाकर दो ठग शौचालय की राशि दिलाने के नाम पर घर में घुसकर फोटो अपलोड करने की बात कही। इस दौरान ठग ने वृद्ध महिला को चश्मा और गले की सोने की चेन उतारकर बाथरूम में फोटो क्लिक करने की बात कही, जिसके महिला ने ठगे के कहे अनुसार चेन और चश्मा दोनों हटाकर ठग के अनुसार सभी काम करने लगी। अंत में ठग ने कहा कि शौचालय में पानी डालकर साफ कर दीजिए। जैसे ही महिला शौचालय में पानी डालने लगी, वैसे ही ठग का दूसरा साथी घर में घुसकर सोने की चेन लेकर अपने साथी को इशारा कर दिया। जब तक वृद्ध महिला कुछ समझ पाती, तब तक दोनों ठग बाइक पर सवार होकर भाग निकले, लेकिन इनकी सारी करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस घटना की शिकायत के बाद पुलिस कैमरे के फुटेज की मदद से ठग की तलाश में जुट गई। इस संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि इस घटना की जानकारी मिली है। कमतौल थानाध्यक्ष और DSP कमतौल को निर्देश दिया गया है कि CCTV फुटेज के आधार पर अपराधी की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही निर्देशित किया गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार करें, ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। इस टाइप का भी जानकारी मिला हमको, और थानाध्यक्ष को निर्देश दिया और DSP जो कमतौल है उनको भी निर्देश दिया गया कि इस टाइप के ग्रोह का जो पहले ही प्रचार प्रसार करें, और जनप्रतिनिधि जहाँ या लोगों को भी उनको जानकारी दें और उनको प्रचार प्रसार भी करेंगे, और साथ साथ उनका जो ठगी का ग्रोह है उसको जल्दी से जल्दी हम लोग CCTV और वीडियो के आधार पर पहचान करके उनको गिरफ्तार करेंगे। रिकॉर्डिंग चालू किया तो उसमें ऐसा दिखाया गया है जो उनको बलगला करके, सो एक आदमी बाथरूम में बंद मतलब रख करके बात किया जा रहा है, और दूसरा आदमी साइड से कैमरा के उधर से जो ले करके घर में गया है और जा करके कुछ सामान जो है सो लिया है और वहाँ से बाहर निकला है। बाहर निकलने के बाद वो जो है सो गया है। उसके बाद जो है सो हमारे रिलेशन में है, उनको हमने जो है सो फ़ोन किया तो वो जो है सो अपना यहाँ पर आए। इसके बाद मम्मी को लेकर के कमतौल थाना गया, वहाँ पर जा करके जो है सो बात वगैरह किया गया। उसके बाद SHO साहब थे, IO था, SI थे, वो लोग सारे के सारे रात को करीब 9:30 बजे के आसपास सबके सब घर पे आए, जो अप्रोक्सीमेटली 11:30-11 बजे तक यहाँ पर बैठ करके सारे मुआयना वगैरह करके वो गए। तो मैं कहें कि चश्मा उतारिए, हम चश्मा उतार कर बगल में धेलो हैं। मैं कह कि गला महक निकाल लीजिए, हम गला में निकाल कर ना कर मुट्ठी में का हम रखलूँ हैं। तो मैं कह कि मुट्ठी में नहीं, अब नीचा में रखिए, हाथ उठा लीजिए ना कर देखे लक हमारा।
हम ओठ टेबुल धैल छे टेबुल पर हम धौ दिलिए एना का हाथ उठा ले वो हाथ उठेने हमरा उत से कह कि आप हाथ उठेने रहिए एना के वो पाछुए में घुसकल अब एना के मोबाइल के आ हम आगा 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 वो पचा पचा हम आबि रहल छी ओत जहन गेलहुँ हैं तो ओत जाके हमरा लग गया वो बाथरूम में तो फिर वो कहे कि बाथरूम में से इंग्लिश है आप हिंदी वाला में चलिए वही में से उठा के फिर हमें आई में ले ला आई में ले ला तो हमारे कहते सीट पर बैठ जाइए हम बैस गलूँ हैं बैस गए तो हमें पूछा क्या टा लड़का है हम कहे एक टा लड़का है तो बहू कितना है हम कहे कि एक टा लड़का है तो एक टा बहू है पोता कितना है तो हम कहे दू गो क्या करता है तो हम कहे कि जॉब करते हैं तो कैसा जॉब हम कहे कि प्राइवेटे जॉब कर या कौन जॉब करत बतियाई तब तो हमारे कि आब हो गया आ ओतबा काल में हमारा तो भेल जो वो घुरियाते थे दोसर लेकिन वो काते काते आबि कर से घर में से झपट्टा मार के लो जाए थे वो तो वीडियो में छे सब देखबे करबे लो गए तक वो हमारा कहे कि से हो गया आप थोड़ा पानी इसमें डाल दीजिए बाथरूम में तो अपना मन में हम सोचल में तो क्यों बैसबो नहीं कलिए तो फिर कहलिए कि हम चला दी छे हम टोटी ना के जहाँ हमें चलबे छे आ क्यों तो बाहर में हम गाड़ी के आवाज़ सुन लिया।